इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के श्योर शॉर्ट टॉपिक्स को, यानी कि वो कुछ टॉपिक्स जिससे हर साल नीट में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको गलती से भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स का। ठीक है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट हमारा डॉपलर इफेक्ट, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओम्स लॉ एंड किरचॉफ लॉ, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले आप करिएगा ओम्स लॉ एंड नेक्स्ट करिएगा आप किरचॉफ लॉ। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं हर साल। नेक्स्ट हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको दो तीन फार्मूले याद करने पड़ेंगे और इसके अलावा कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं वो आपको अच्छे से देख के जाना है, एनसीईआरटी के ग्राफ्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डीप ब्रोगली वेवलेंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का। एंड अगला है हमारा लॉजिक गेट, ये भी तो सेमीकंडक्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन को, उसके बाद आपको करना है वर्क एनर्जी थ्योरम को। ठीक है, वर्क एनर्जी जो पावर वाला चैप्टर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, आपको इसको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट हमारा टेलीस्कोप, ये ऑप्टिक्स का टॉपिक है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट आपको करके जाना है रेडियो एक्टिविटी को, मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा कैलोरीमेट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईएम वेव, बहुत ईजी चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा बोर मॉडल, ये भी मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल। ठीक है, सो ये थे फिजिक्स के श्योर शॉर्ट टॉपिक्स, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करके जाना है एंड इससे रिलेटेड पीवाईक्यू आप जरूर कर लीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके बाद आपको जरूर करके जाना है। ठीक है, तभी जाके आप एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।